सूत्रा दे हवाले तो वड्डी खबर सामने आ रही है। पठानकोट दे विच ईडी दे वल्लों देर रात एक वड्डी कारवाई नूं अंजाम दिता गया। कई रेत व्यापारियों के ठिकाने ते छापेमारी की गई है। ईडी दे वल्लों व्यापारियों के रिकॉर्ड कब्जे दे विच लै गए ने। सूत्रा दे हवाले तो वड्डी जानकारी इस समय सामने आ रही है। पठानकोट दे विच ईडी दे वल्लों देर रात वड्डी कारवाई, कई रेत व्यापारियों के ठिकाने ते छापेमारी, व्यापारियों के रिकॉर्ड भी कब्जे च लै गए ने। पठानकोट तो वड्डी खबर इस समय सामने आ रही है। रेत व्यापारियों के ठिकाणियों ते ईडी दे वल्लों वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम दे विच लिआंदा गया। उन्हां दे रिकॉर्ड भी कब्जे दे विच लै गए ने। पठानकोट दे विच ईडी दे वल्लों देर रात एक वड्डी कार्रवाई नूं अंजाम दे विच लिआंदा गया। सूत्रों के हवाले तो यह भी खबर मिल रही है कि रेत व्यापारियों के ठिकाणियों ते छापेमारी ते उन्हां दे रिकॉर्ड भी कब्जे दे विच लै गए ने। बीते कल की ही गल की जाए तो कल तो ही ईडी के वलों पूरे पंजाब दे विच वख-वख ठिकाणियां ते छापेमारी की जा रही है। मोहाली लुधियाणा दे विच छापेमारी की गई चरणजीत चन्नी के भतीजे के ठिकाणे तो 4 करोड़ ते उसके करीबी तो 2 करोड़ बरामद किए गए। पूरे पंजाब दे विच वख-वख ठिकाणियां ते रेत व्यापारियों के ठिकाने ते छापेमारी। पठानकोट तो जो जानकारी मिल रही है, साडे सहयोगी अजय महाजन इस समय साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। अजय, जानना चाहवांगे किस तरीके की कार्रवाई की गई है, कित्थे छापेमारी हुई है? जी बिल्कुल मनप्रीत, रेत कारोबार ना जुड़े जिहड़े व्यापारी है उन्होंने ठिकाणियां उत्ते छापेमारी पूरे पंजाब दे विच की जा रही है जी है। पठानकोट दे विच भी 3 ठिकाने जिहड़े हैगे आ उत्थे छापेमारी की गई हैगी है। और ये जिहड़ा रेत कारोबार हैगा ये जम्मू कश्मीर नाल जुड़े हुए कारोबारी हैगे ने जिन्हां दा जम्मू कश्मीर दे विच रेत दा कारोबार हैगा। उन्हां दे घर कल रात नूं ईडी वल्लों छापेमारी की गई हैगी है। और ईडी ने कुछ जो सोर्सेस ने सानूं दस्सिया हैगा कि कुछ दस्तावेज और बाकी होर भी चीजा जी है अपने कब्जे के लिया है। और फिलहाल कोई अधिकारिक पुष्टि जी है वो ईडी के अधिकारी या फिर सोशल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की हैगी, लेकिन छापेमारी जी है वो कल रात को 3 जगह से पठानकोट तो हुई हैगी है। और कुछ दस्तावेज जोड़े है रेत कारोबारियों नाल जुड़े हुए व्यापारियों के अपने कब्जे के ईडी ने ले है। ये और रेत कारोबारी ने जिन्हों का कारोबार जम्मू कश्मीर दे विच हैगा और रेत कारोबारियों के घर च छापेमारी की गई हैगी है और दस्तावेज ईडी ने अपने कब्जे के लिए है जी। मंत्री अजय, जानना चाहवांगे क्योंकि बीते दिन जिहड़ी छापेमारी हुई सी ईडी दे वल्लों मोहाली दे विच भी बठिंडा दे वल्लों भी संबंध दस्से जा रहे सर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दे नाल कि इस पिछे भी कोई रिश्तेदारी दा कोई कनैक्शन नजर आ रहा है किसी सियासी आगुआं दे नाल, इन्हां व्यापारियों दा कोई रिलेशन है? मंत्री जो छापेमारियां कीतियां जा रही हैगियां जो सोर्सेस सानूं दस्से हैगे कि जदों एक FIR जिहड़ी हैगी है उह 3 साल पहले दर्ज की गई सी नवांशहर दे विच जो खड्डा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होंदे सीगे तां कुछ खड्डां दे उत्ते हैलीकॉप्टर दे नाल दौरा कीता गया सीगा मुख्यमंत्री वल्लों। और तो एक FIR दर्ज की गई सी, उस FIR दे विच जिन्हां लोकां दे नाम सीगे उह सारे जिन्ने ठेकेदार सीगे या रेत कारोबार दे नाल जुड़े हुए लोग सीगे उन सारां दे उत्ते ईडी जिहड़ी हैगी आ कार्रवाई कर रही हैगी। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दे तहत जिहड़े हैगे आ वो ये छापेमारियां कीतियां जा रही है। हुण जिहड़ा हैगा अज दी कार्रवाई जे ये सारे तत्थ जुड़ रहे हैगे आ जिवें मोहाली के विच छापेमारी की गई, लुधियाना के ठिकाने पर छापेमारी की गई और उस तो बाद पठानकोट छापेमारी की गई, ये जरूर डिस्कलोज चीजा होणगियां कि ये सारियां कड़ियां जिहड़ियां हैगियां आपस दे नाल किवें जुड़ियां होईयां हैगियां। लेकिन जरूर ये सारियां कड़ियां आपस दे नाल जुड़ियां होईयां हैगियां क्योंकि जो FIR दा हवाला सोर्सेस दे रहे हैगे कि 2.5-3 साल पहले जो FIR नवांशहर दीआं खड्डां दे उत्ते की गई सीगियां उसके बाद यानी कि कह सकते हैं कि एक तो बाद एक खुलासे हो सकते ने कुछ ही देर बाद क्योंकि लगातार बीते दिन भी कार्रवाई हुई, अज पठानकोट दे विच भी बीती रात ते कार्रवाई की गई ईडी दे वल्लों, आने वाले कुछ समय दे विच खुलासे हो सकते ने इस बाबत। फिलहाल जिहड़ी जानकारी अज तुसीं दित्ती है उस लई धन्नवाद करना चाहांगे।